SSE इंडिया। भदोही नगर पालिका क्षेत्र के जलालपुर उत्तरी वार्ड संख्या 10 में बीते 3 वर्षों में भले ही 1.5 करोड़ के लागत से विकास कार्य हुआ हो, लेकिन मूलभूत समस्या पेयजल की अभी भी बरकरार है। वार्ड की आबादी 8,000 व वोटर 4,800 है। वार्ड में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 5 सबमर्सिबल पंप लगाया गया है, जिसमें 2 खराब स्थिति में है। खास यह कि वार्ड के कुछ हिस्सों में पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त व कुछ हिस्से में पाइपलाइन ही नहीं है। वार्ड सभासद जितेंद्र यादव के मुताबिक वार्ड में तिकवा गर्ल्स कॉलेज से अयोध्यापुरी तक पालिका द्वारा सीवर लाइन विस्तार कराया गया है, लेकिन इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण न होने से आवागमन में दिक्कत है। मेन रोड से अयोध्यापुरी तक पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा गोला मजार से जलालपुर भट्टा तक पाइपलाइन विस्तार भी नहीं है। वार्ड में 1.5 करोड़ से सीवर लाइन विस्तार सहित इंटरलॉकिंग सड़क व LED लाइट व पोल से सुसज्जित किया गया है। वार्ड में लगभग 400 छत विहीन गरीब जनता को PM आवास योजना का लाभ भी दिलाया गया है, हालांकि अभी 125 लोगों को लाभ दिलाना है। हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था कुछ जगह तो अभी एक भी पाइपलाइन नहीं पड़ी है, जब से नगर पालिका बना है। कहां से कहां तक नहीं पड़ा है? ये राम दुलार यादव के मकान से लेकर खरहा यादव के मकान से और हमारे वार्ड के एकदम पूर्वी क्षेत्र काजीपुर सटा हुआ भट्टा, वो हमारे वार्ड में आता है, गोला मजार से लेकर भट्टा वाली गली तक यहाँ पे पाइपलाइन का विस्तार नहीं है और जो गरीब तबका है बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या और तो कैसे उनका क्या स्रोत है पानी का, कैसे क्या लेते? वही जो मतलब बगल में जिसके पास व्यवस्था है उन्हीं से अपना भरते हैं पानी। कितना समरसेबल है हमारे यहाँ? हम तो 2 समरसेबल लगाए थे पूर्व की बोर्ड में, वो भी 1 समरसेबल लगाए थे और 2 समरसेबल लगा था वो खराब हो गया है। अच्छा, तो बनने का कोई चांस नहीं है? नहीं, बनने का तो हम दिए हैं इस बार। अच्छा, और फंड आ जाएगा तो। और आपके यहाँ जल निकासी क्या स्थिति है? जल निकासी हमारे यहाँ यही बहुत खराब था अयोध्यापुरी से लेकर तकवा तक, और वो जल निकासी की व्यवस्था तो सही हो गया है भाई। फूलन देवी के पास जो है उसमें बड़े सीवर का और व्यवस्था होगा तभी निकल पाएगा। नहीं, तो ये जो रोड यहाँ पे आपने सीवर बिछवाया है तो ये तकवा से लेके अयोध्यापुरी तक, तो इसमें तो अभी इंटरलॉकिंग नहीं हो सका है, आने जाने में बड़ी दिक्कत है। बहुत परेशानी थी, इंटरलॉकिंग हम लोग बोर्ड प्रस्ताव में दिए थे, लॉकडाउन की वजह से बजट नहीं आ पाया, और बजट आएगा तो इसका। जितेंद्र जी, 3 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है, तो 3 सालों में आपने कितना विकास कार्य कराया है? हमारे यहाँ करीब 1.5 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि ये मेन रोड छोड़ के विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग हुआ है, LED लाइट पोल पाइपलाइन, मतलब काफी काम कराया है। ऐसे कुछ स्थानों पे पाइपलाइन विस्तार भी तो आपने कराया है? हाँ, पाइपलाइन विस्तार वहाँ गोला मजार से लेते हुए ये तकवा होते हुए जलालपुर जगी यादव के मंदिर तक, मतलब हमको लगता है कि कोरोना काल के वजह से आपका काफी काम रुक गया। हाँ, कोरोना काल। अब आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, किस तरह से पहले क्या कराना चाहते हैं? अभी 2 साल का आपका समय बचा हुआ है, 2 सालों हमारे यहाँ पाइपलाइन और समरसेबुल अगर 1 मिल जाए तब भी काम हो जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा समस्या है जो मिडिल स्कूल का नलकूप है वो खराब हो गया, उससे काफी विभिन्न वार्डों के लोगों को भी परेशानी होती है। ठीक है, उससे माननीय अध्यक्ष जी से बात हुआ है, वो हमें आश्वासन दिए हैं कि जनवरी में काम लग जाएगा नलकूप का। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।